हे गर्ल्स, कैसे हो? आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि कैसे अगर कोई लड़का आपको प्यार करता है, आपसे प्यार करना चाहता है, तो किस तरीके की हरकतें करेगा, कौन से ऐसे इशारे करे जिसके थ्रू आप समझ सकती हो कि ये मेरा दोस्त नहीं है या फिर ये मुझसे दोस्ती नहीं चाहता, ये मुझसे प्यार वाला रिलेशन चाहता है। तो पहली चीज है फॉलो करना, कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो आपकी प्रोफाइल को भी चेक करता है, आपके बारे में सारी अपडेट लेता है, दैट तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ से हो, इनफैक्ट तुम क्या करती हो, पढ़ाई कहाँ करते हो, कॉलेज जाते हो, तो सेफली जाते हो नहीं, सारी अपडेट वो जानेगा कि ये लड़की आखिर कैसी है। इनफैक्ट वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी जानने में इंटरेस्टेड रहेगा, कई बार तुमसे पूछेगा भी, तुम नहीं बताओ तो ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा, लेकिन फिर भी स्टिल वो बोलेगा कि मैं तुम्हारी बातें जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे जानना है, तुम्हें प्रॉब्लम में मैं नहीं देख सकता। अगर ऐसी बातें कोई करता है तो तुम समझ जाओ कि वो तुम्हें प्यार करता है या फिर लाइक करना चाहता है, प्यार करना चाहता है। नेक्स्ट जो साइन है कि वो तुम्हें प्यार भरी निगाहों से देखेगा। देखो, लड़के फ्लर्ट तो बहुत सारे लड़कियों के साथ करते हैं, लेकिन प्यार भरी निगाहों के साथ सिर्फ उसे देखते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। फ्लर्टिंग निगाहें नहीं होती आपके लिए, ना ही आपको गंदी नजरों से देखेंगे या फिर बोलेंगे। जो लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो उसकी आंखों में देखते ही वो शर्मा जाएगा, उसे आई कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए इतना प्यार है कि उसे शर्मा ही जाएगी, वो कंटिन्यूअसली आपको आई कांटेक्ट करके नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट है कि वो आपके आसपास रहना चाहेगा एज अ प्रोटेक्ट डॉक्टर की तरह, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, इनफैक्ट वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो जानना चाहेगा कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, कैसे जाते हो। आपसे कांटेक्ट रहने का तरीका है कि आपके आसपास रहना उसको पसंद लगता है, अच्छा लगता है और अच्छा फील करता है, आपके साथ रहना, घूमना, वैसी चीजें वो करना चाहेगा अगर वो आपसे प्यार करता है तो। ऑलवेज ट्राई टू शेयर समथिंग, एवरीथिंग जो तुम बताना चाहो सब कुछ जानना चाहेगा, वो तुमसे सारी प्रॉब्लम्स जानना चाहता है कि तुम कैसे हो। केयरिंग के साथ शेयरिंग भी होती है, और अगर वो तुमसे तुम्हारी केयर भी करता है, सारी बातें शेयर भी करता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है जानने में काफी इंटरेस्टेड है, बजाय कि तुमने क्या पहना है, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सारी के बाद बातों के अलावा वो तुम्हारे दिल का हाल काफी समझता है, बिना बोले ही तुम्हारी काफी बातें वो बोल जाता है, तुम्हारी वॉइस सुनते ही वो समझ जाता है कि तुम प्रॉब्लम में हो। ये सारी चीजें अगर तुम नोटिस करती हो ना किसी में, तो समझ जाए कि वो लड़की तुम लड़का तुम्हें काफी डीपली समझता है, और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की ये क्वालिटी होती है। तो अगर वो लड़का ऐसा करता है तो तुम उसको जरूर हिंट दे सकती हो, उसकी बातें समझ सकती हो, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हो। नेक्स्ट है कि सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही बातें करना, अपने दोस्तों से सभी जगह से तुम्हारी तारीफ करना, लेकिन है तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात वो सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट है जेलसी फील करना, जब तुम किसी और से बात करती हो या किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस देती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो या तो वहां से चला जाएगा या फिर उसे उस लड़के को गुस्से से देखेगा या फिर मुंह फुला लेगा या तो फिर बोलेगा कि इतना टेंशन क्यों देना उसे, यानी वो कहना चाहता है कि तुम पे हक है मेरा, प्लीज उससे बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये इसकी जेन्युइन फीलिंग होती है, वो जानबूझ के जेलसी नहीं करता, उसे ये जो फीलिंग है वो जेन्युइन आती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। नेक्स्ट है कि तुम्हें देख कर वो खुश हो जाता है, जरूरत से ज्यादा ही खुश हो जाता है, जितना वो दूसरे लोगों से खुश नहीं होता उतना होता है। जिस दिन वो तुम्हें ना देख पाए वो बेचैन सा रहता है, और कई लोगों से पूछता है कि वो आई क्यों नहीं, वो तुम्हारी फ्रेंड से पता करने की कोशिश करेगा कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, वो कैसे है, क्या है, और तुम्हें वो बार बार कॉल करेगा, मिलने चाहेगा कि तुम क्यों नहीं आई, उसे बार बार पूछेगा कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुम आई नहीं उस दिन, मैंने तुम्हें देखा नहीं, यानी वो चाहता था, उसकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही थी उस दिन, वो चाहता था तुमसे बात करना और चाहता है आगे भी तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करना, इसीलिए ये सारी चीजें वो करता है तुम्हारे लिए, वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। सो होप सो कि आपको अब वो सारी बातें समझ में आ गई कि आपका क्रश आपसे क्या चाहता है, वो लड़का आपसे क्या चाहता है, या कोई भी लड़का अगर ऐसी बातें कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होप सो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा सा पार्टनर आ जाए, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो और खुश रहें, उसके साथ हमेशा रहें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू।